मैं डॉक्टर गजाधर सागर शायर होने के पेशतर कॉलेज का रिटायर्ड प्रोफेसर प्राचार्य हूँ। 38 साल कॉलेज में पढ़ाने के बाद 2004 में मैं रिटायर हुआ। ये मेरा आजीविका का पक्ष था। साहित्यिक और संगीत का पक्ष मेरा अलग है, ये रुचियों पर आधारित रहा है। बचपन से हमारे घर में संगीत रहा, यूनिवर्सिटी जब स्कूल गए तो वहाँ हम लोगों ने गीत गाए, मंच में प्रोग्राम दिए। इसके बाद जब हम यूनिवर्सिटी लेवल में आए तो वहाँ से हमारा कविता लेखन भी चालू हुआ। और हमारे बड़े भाई साहब भी बैठे हैं, 1972 में हम लोगों ने एक संस्था बनाई, उसका नाम था ईद दिवाली मिलन एकता गोष्ठी। स्वर्गीय विट्ठल भाई को हम लोगों ने उसमें अध्यक्ष बनाया और शहर के तमाम कवियों शायरों को ठीक दिवाली के दूसरे दिन हम लोगों ने आमंत्रित किया और घर पर ही बिना किसी दूसरे से पैसा लिए अपने निजी खर्च पर हम लोग ये प्रोग्राम 1972 से करते आ रहे हैं। शायरी का शौक हमें यहीं पैदा हुआ क्योंकि हमारे इस गोष्ठी में उर्दू शायर और कवि गंगा जमनी तहजीब के कारण आते रहे। पढ़ा तो हमने तो पहले था, तो वहाँ सन 70 के बाद यानी 72 से चालू किया और हमें शायरी का शौक लगा। तो जब शौक लगा तो गज़लें हमें जो कि उर्दू की जितनी विधाएं हैं उसमें गज़ल ज़्यादा पसंद आई, तो इसके लिए हमने थोड़ी उर्दू सीखी पहले, क्योंकि बिना उर्दू के शायरी हो ही नहीं सकती, क्योंकि उनके उच्चारण उन शब्दों को कैसे बोलना ये बिना उर्दू के आ ही नहीं सकता। एक छोटा सा उदाहरण कि जैसे हिंदी वाले अगर जा के नीचे नुक्सा या बिंदी लगाएं तो जा बोलेंगे, लेकिन उर्दू में जा पांच प्रकार के होते हैं, जो शब्द होते हैं जैसे जे हुआ, बड़ा जे हुआ, जवाद हुआ, जाल हुआ, जोए हुआ, इनकी जानकारी भी बहुत आवश्यक थी क्योंकि इनके बिना कौन सा जे कहाँ लग रहा है हम नहीं कर सकते थे। तो हमने उर्दू भाषा का भी अध्ययन किया और अपनी ये शायरी की जो दुनिया थी हमने आबाद की। गज़ल लिखने के पहले मैंने खूब पढ़ा गालिब साहब को, मीर तकी मीर साहब को, नज़ीर अकबर आबादी को, फ़राह गोरखपुरी को, मजाज साहब को, दाग दहलवी को, फैज़ साहब को, जिगर मुराद आबादी को, इतने शायरों को पढ़ा कि वो कैसे लिखते हैं, कैसे अदायगी करते हैं। तो इसके साथ ही फिर हमने ये शुरू किया और यहाँ एक संस्था रही बज़्म-ए-दाग करके, उसका मैं सरपरस्त बना। तो वहाँ पर साप्ताहिक गोष्ठियाँ होती थी, उन गोष्ठियों से एक हम लोग लाइन देते थे और उस पर गज़लें कहलाते थे। तो हर 15 दिन में एक लाइन पर गज़लें कहीं आती थी, जिसको तराई मिसरा बोलते हैं। तो ऐसे ऐसे करते हम लोग ने जब शुरू किया तो बस गज़लें की गोष्ठियाँ प्रारंभ हुई और आज स्थिति ये है कि कुछ कहने लायक हमारी शायरी हो गई है। तो ये मेरा थोड़ा सा बैकग्राउंड रहा और इसी आधार पर उर्दू एकेडमी से मैं जुड़ा सागर आकाशवाणी से, भोपाल आकाशवाणी से, रायपुर, जगदलपुर, लखनऊ, इन पर जुड़े। इसके बाद टेलीविज़न पर बुलाया गया तो भोपाल पर बुलाया गया, ETV में हमने गज़लें दी। और अभी चूंकि जो मीडिया आपका चल रहा है इंटरनेट का, कुछ ऐसा हुआ कि बहुत से लोग मेरे 5-6 हज़ार मित्र हैं, तो 100-200 शायर और शायराएँ मुझसे सीखती हैं। इवन 1-2 पाकिस्तान में है जो मुझसे उर्दू शायरी सीखती हैं। तो उनको जितना ज्ञान ज्ञान बांटने की बात है तो वो भी हम करते रहते हैं और इस आधार पर हमने अपनी शायरी पत्र पत्रिकाओं में देना, रेडियो पर गोष्ठियों में देना, ऐसा सागर का हम लोग करते रहे। बुलाया जाता है बाहर कहीं मुशायरों में तो उसमें जाते हैं। ये हमारी थोड़ी सी शायरी की दुनिया है जहाँ से हम आए हैं और जो कुछ करते हैं। और अब चूँकि आप की फरमाइश है कि आप कुछ सुनाइए, तो 2-3-4 गज़लें हम सुनाते हैं। कुछ तरन्नुम में रहेंगी और कुछ तहत में रहेंगी। चला यार पंखा। तो
पहली गज़ल आपको हम तरन्नुम में सुना रहे हैं और मतलब पेशी खिदमत है। जिंदगानी जिंदगानी ही नहीं, जिंदगानी जिंदगानी ही नहीं, वो के जिसमें कुछ कहानी ही नहीं, वो के जिसमें कुछ कहानी ही नहीं। और मतलब आसानी है, वो मंगे आसमानी ही नहीं, वो मंगे आसमानी ही नहीं, कुछ जिन्होंने जी में ठानी ही नहीं, कुछ जिन्होंने जी में ठानी ही नहीं। और गजल का पहला शेर समान फरमाएं कि बहर से कैसे मिले वो बाहों भर, बहर मतलब समुद्र, बहर से कैसे मिले वो बाहों भर, जिस नदी में कुछ रवानी ही नहीं, जिस नदी में कुछ रवानी ही नहीं। और शेर सब देखें, मंजिले मकसूद उसको क्यों मिले, मंजिले मकसूद उसको क्यों मिले, जिस बशर ने खाक छानी ही नहीं, जिस बशर ने खाक छानी ही नहीं। और शेर देखें कि वो भरोसे की नहीं हकदार कुछ, वो भरोसे की नहीं हकदार कुछ, जिस जबान में सच बयानी ही नहीं, जिस जबान में हक बयानी ही नहीं। और शेर देखिए, अब कुछ इसमें गजल के भी शेर हैं जिनको तगजल कहा जाता है, एक दो शेर देखें कि उस लगी को हम लगी कैसे कहें, उस लगी को हम लगी कैसे कहें, जिस लगी में आग पानी ही नहीं, जिस लगी में आग पानी ही नहीं। और ये भी गजल की का शेर समझ लीजिए कि बेमजा बे लुत्फ है वो प्यार कुछ, बेमजा बे लुत्फ है वो प्यार कुछ, जिसमें लफ्ज़े सरगिरानी ही नहीं, जिसमें मतलब नाराजगी कोई शब्द ना हो, वो बात है इसमें कि बेमजा बेलुत्फ है वो प्यार कुछ, जिसमें लफ्ज़े सरगिरानी ही नहीं। और गजल का आखिरी शेर है कि याद का पहलू न जिसमें जज्ब हो, याद का पहलू न जिसमें जज्ब हो, वो निशानी ही निशानी ही नहीं, वो निशानी कुछ निशानी ही नहीं। और गजल का मुख्तार करता हूँ कि जो न सागर जान लुटाए मुल्क पर, जो न सागर जान लुटाए मुल्क पे, वो जवानी फिर जवानी ही नहीं, वो जवानी फिर जवानी नहीं।